शिक्षा मंत्री ने आज तक से खास बातचीत में बताया कि आज स्कूलों को परीक्षा के दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, लेकिन परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं होंगी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आज की बड़ी खबरों में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज हम बात करेंगे आज की कुछ बड़ी व प्रमुख ताजा अपडेटों के बारे में। आप सभी को बताएं इस वक्त की 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी कुछ बड़ी व महत्वपूर्ण अपडेटें निकल के सामने आ रही है, जो कि आप सभी 10वीं 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए जानना जरूरी होगा, क्योंकि ये आपके भविष्य से जुड़ी हुई हो सकती है। जी आप सभी को बताने वाले आखिरकार बोर्ड परीक्षा के इस बार कौन से महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनका आप सभी को किस प्रकार फायदा उठाना होगा, व विद्यार्थियों को लिखने के तरीके के अलावा बोर्ड परीक्षा के पेपर को किस प्रकार समझना होगा। जैसे कि आप सभी को बताएं किसी भी बोर्ड विद्यार्थियों को ज्ञात नहीं होगा या ना तो किसी भी शिक्षक को यह ज्ञात होगा कि पेपर किस तरह आ सकता है। जैसा कि आप सभी को हम बता दें कि बोर्ड के परीक्षा के क्वेश्चंस को भांप पाना बहुत ही मुश्किल होता है, ऐसे में विद्यार्थियों को इसी वजह से पूरे कोर्स को रेडी कराया जाता है, वो पूरे कोर्स के आंसरों को याद करने के लिए कहा जाता है। लेकिन आप सभी को यह नहीं पता होता है कि बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चनों को कैसे रेडी करें, बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चन को कैसे पता करें। तो दोस्तों सबसे पहले अगर इसके आसान तरीकों को हम बताएं तो दोस्तों आपको अगर पूरी किताब एक बार आप पढ़ के देख लीजिए, अगर आपको वहां से कुछ जो आप आगे का पढ़ते जाएंगे वो प्रेजेंट का याद रहेगा, पीछे का आप भूलते जाएंगे। बहुत इंटुइटिव रेयर केस आप सभी को शायद याद रख सके, और बाकी मैथ वगैरह हो गए उसमें तो आप सभी को और भी टफ हो सकता है। लेकिन इसके अलावा किसी अन्य सब्जेक्टों की अगर बात कर लेते तो जैसा कि आप सभी को बताएं उसमें क्या होगा, तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को बताएं विद्यार्थियों को अगर क्वेश्चन को समझना होगा, पेपर को याद करना होगा, या इत्यादि अन्य प्रकार की कभी कोई भी बड़ी ताजा अपडेटों को समझना होगा, जैसा कि आप सभी ने पेपर कैसा होगा, पेपर में क्वेश्चन को रेडी करने, तो जैसे सरकार ने इस बार कई सारे नियम को लागू किया कि विद्यार्थी अगर क्वेश्चन का आंसर ना मालूम है तब विद्यार्थी उनसे रिलेटेड आंसर लिखे, जैसे कि शिक्षक से कह सके, वो शिक्षक आप सभी को पास कर सके। दोस्तों आप सभी को बताएं मूल्यांकन कार्य विद्यार्थियों को हित में होगा, वो सरकार ने बताया कि विद्यार्थी अगर क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर लिखते हैं तो विद्यार्थियों को हम पास करेंगे। तो इसके लिए आप सभी को सबसे पहले दो काम करने होंगे पास होने के लिए या और अच्छे अंक हासिल करने के लिए, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे जितना कि उसके आंसर का आप सटीक आंसर लिखेंगे, चाहे फिर आप उससे रिलेटेड लेंगे, पूरे दोनों में आंसर लिखें, बस शब्द सीमा बराबर रखें। जैसा कि आप सभी को बताएं कि बोर्ड परीक्षा 2023 के लेकर सरकार ने जो आज के हिसाब से जो फैसला सुना है उसके हिसाब से विद्यार्थियों को कई सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा। उसमें सबसे बड़ी चीज होगी कि विद्यार्थियों को जैसे कि अभी तक सरकार ने जो बताया उसके मुताबिक माना जा रहा है 10वीं 12वीं का बोर्ड परीक्षा का पेपर क्वेश्चन बैंक से बनाया जाएगा, वो दोस्तों या तो आप लेसन को पढ़ें, लेसन से पढ़ के आप सभी को सबसे बड़ा फायदा रहेगा कि रिलेटेड आंसर लिख देंगे। लेकिन आप सभी को बताएं ये चीज नहीं याद हो सके, एक तो दोस्तों इंग्लिश की ग्रामर नहीं याद कर पाएंगे, दूसरा आप सभी को तो इंग्लिश के रिलेटेड याद कर लेंगे ग्रामर नहीं याद कर पाएंगे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं याद कर पाएंगे, केमिस्ट्री के आप नहीं याद कर पाएंगे, वहीं दोस्तों आप सभी मैथ नहीं याद कर पाएंगे, वो याद कॉमर्स में भी कई सारे समस्या आ सकती है अकाउंटिंग वगैरह में। तो दोस्तों आप सभी को बताएं जो चीजें याद नहीं हो सकती उनको समझा ही जा सकता है, समझने के लिए आप सभी पूरी किताब तो आप समझने के लिए बहुत ज्यादा समय चाहिए, और समय सीमा आप सभी के पास है ना, प्री बोर्ड परीक्षा आप सभी संपन्न हो चुकी है। आप सभी के दोस्तों बताएं कि प्रैक्टिकल एग्जाम जो होंगे दिसंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह से चालू होकर आप सभी के जनवरी के पहले सप्ताह तक संपन्न करा लिए जाएंगे। वहीं दोस्तों आप सभी को बताएं 8 फरवरी 2023 के दिन से 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा को केंद्र शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आयोजित कराने के आदेश जारी किए जा चुके हैं, सेंटर आप सभी के सारे चयनित किए जा चुके हैं। अब आप सभी को हम बताते हैं क्या होगा, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को हम अच्छे तरीके से बता दें विद्यार्थियों को क्वेश्चन बैंक का सहारा लेना होगा। क्वेश्चन बैंक से अगर बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी अच्छी तरीके से पेपर को समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरीके से परीक्षार्थी विद्यार्थी पास होने के अंक बन जाएंगे। और अगर विद्यार्थी किसी भी कारण की वजह इसके बावजूद दो सब्जेक्टों में फेल होते हैं तो दोबारा से मौका मिलेगा, सरकार के नए नियमानुसार दो सब्जेक्टों में फेल विद्यार्थी को दोबारा से मौका दिया जाएगा पेपर देने के लिए। अगर दोबारा से पेपर देने के दौरान अगर विद्यार्थी जो होगा पास हो जाता है तो उसे पास रखा जाएगा। इसके अलावा कापियों का मूल्यांकन करने के दौरान अगर कोई विद्यार्थी 2 या 3 नंबरों से फेल हो रहा होगा तो उसे अपनी तरफ से शिक्षक कापी जांच रहा होगा, जो उसे अपनी तरफ से नंबर बढ़ा के आप सभी को पास कर देगा। ये सबसे बड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी बोर्ड परीक्षा 2023 से जुड़ी, जो कि आपके अपने चैनल SBS न्यूज के माध्यम से पहुंचाएंगे। अगर यह सच जो आप सभी के लिए खबरें थी अगर आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट आपके अपने चैनल SBS न्यूज के पर सपोर्ट बनाए रखें, और वीडियो को बहुत ही ज्यादा जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट देने, ना तो हमारे लाइक्स आ रहे हैं, ना तो हमारे व्यूज आ रहे हैं, ना तो हमारे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, तो कृपया कर अपना सपोर्ट बनाएं, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछा, बहुत सारे विद्यार्थियों ने अलग 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 सब्जेक्टों के बारे में पूछा, तो जैसे आप सभी को सबसे आसान सोल्यूशन यही दिया है कि आप किताबों से आपको पूरी किताब समझने के लिए आपके आसान नहीं होगी, आप क्वेश्चन बैंक ले, वहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप रेडी कर लें 2014-17 से जितने ज्यादा सन तक आप याद कर पाएं। क्वेश्चन बैंक का आपका मतलब